पंडित जैसे कि नवरात्र प्रारंभ हो चुके हैं जी, हमें मैया का थोड़ा इतिहास बताया इस मंदिर का। जी जी जी, आपने बहुत अच्छा ये जानना चाहा, जानने का आपने प्रयास किया है। ये भवन श्री कालिका माता समिति परम श्रद्धेय और हम सब के प्रिय और गुरु के रूप में एक परम पूज्य श्री महाराज श्री जी सर्वदास महाराज जी की उनकी तपोभूमि में ये जो माँ का विग्रह है, ये संत महात्मा मंडलेश्वरों के माध्यम से इसकी श्री विग्रह की स्थापना हो रखी है, सिद्धपीठ है। 1954 में इसकी स्थापना हुई थी और तब से लेकर के आज तक निरंतर यहाँ पर ये व्यवस्थाएं बाबा की कृपा से, ये सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर सुचारू रूप से चल रही है। माँ का पूजन इत्यादि और उधर दैनिक यज्ञ और अन्नपूर्णा भंडार और सब जगह की सेवाएं बहुत अच्छी तरह से चल रही है। आजकल नवरात्रि का पक्ष चल रहा है तो यह नव संवत्सर हमारा आजकल प्रारंभ हुआ है, आज दूसरा दिन है। नव संवत्सर के शुभ आगमन पर यहाँ पर इस समय में 64 ब्राह्मणों के द्वारा माँ भगवती को प्रसन्न करने के लिए, जगत के कल्याण के लिए, विश्व के कल्याण के लिए हम माँ भगवती का स्तवन, उनका पूजन, उनका पाठ यहाँ पर सभी लोग मिल करके कर रहे हैं और प्रातःकाल सायंकालीन आरती होती है। और इधर आप देखेंगे ये माँ का ये प्रतीकात्मक रूप में ये नवरात्रि के उपलक्ष्य में ये माँ का कलश यहाँ पर स्थापित किया गया है। ये हनुमान जी है, हनुमान जी के जो ये श्री विग्रह है, जो मूर्ति है, वो यहाँ पर खुदाई के प्राचीन समय में कभी यहाँ पर मंदिर रहा होगा, लेकिन वो ध्वस्त होकर के उसके बाद बाबा श्री ने इसका निर्माण पुनः किया और जब खुदाई हुई तो ये हनुमान जी की ये जो शिला है, जो पत्थर की मूर्ति है, वो यहाँ से प्रकट हुई थी, यहाँ से प्राप्त हुई थी और उस मूर्ति को यहाँ पर स्थापित कर दिया गया है। तो बाबा और की बड़ी कृपा है हम सभी के ऊपर, सभी भक्त आकर के यहाँ पर अपने मनोरथों को सिद्ध करते हैं, अपनी कामनाओं को पूरा करते हैं। इसी कामना इसी भावना के साथ में आप सभी को जय श्री कृष्ण। आप सभी लोग आए और माँ के दर्शन करिए, दर्शन करके आप कृतार्थ हुए और अपनी अपनी कामनाओं को, माँ को एक छोटा सा सिंदूर का तिनका भी अगर हम चढ़ाते हैं तो हमारी कामनाएं पूरी होती हैं। इसी भाव और श्रद्धा के साथ में आप सभी लोगों को, सभी जनता जनार्दन को विश्व कल्याण के लिए मैं अपनी ओर से, भवन श्री कालिका माता समिति की ओर से सभी को हार्दिक बधाई शुभकामनाएं प्रदान करता हूँ। सादर जय श्री कृष्ण।